हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करवा चौथ वीडियो। करवा चौथ हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर निराजल व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा की अर्घ देने के बाद व्रत खोलती हैं। इस बार करवा चौथ 2022 अक्टूबर थर्सडे को पड़ा है, तो देखिए मैं कैसे करवा चौथ बनाती पूजा करती हूँ। तो मैंने दो करवा लिया है और थोड़ा सा हल्दी और आटा पानी डाल के इसको मैं घोल बनाया बना के मैं इसके अंदर लेपूंगी। इसको थोड़ा सा पतला करना पड़ता है। देखिए इसी तरह से मैं लेप रही हूँ। लेप के मैं लेप के दोपहर में लेप देती हूँ और धूप में सुखा लेती हूँ। देखिए जल्दी जल्दी पानी डालें तो उसमें घुल जाएगा, इस वजह से मैंने दोपहर में लगा के धूप में सुखा लेती हूँ। देखिए करवा चौथ के मैंने सारा सामान इसमें ले लिया। अब मैं चौकी लगाऊंगी। देखिए चौकी के ऊपर मैंने आसन बिछाया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर लूँगी और जितना सामान है उसमें सारे में मैं गंगा जल छिड़क दूँगी। अब चौकी में थोड़ा सा फूल ऐसे डाल दूँगी और थोड़ा सा गले गोलाप की पंखुड़ी में डाल के करवा माता की तस्वीर में स्थापित करूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा अक्षत रख डाला और माता की तस्वीर मैंने रख दिया। इनमें मैं थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दिया और एक नया कपड़े से मैं इनको साफ कर लिया। अब मैं इनको चुनरी पहना रही हूँ। अब माला चढ़ा रही हूँ। अब जो करवा लिया है इसमें मैं कलावा बांधूंगी। कलावा जो है तीन बार उसमें तीन बार घुमा के तीन बार करने के बाद बांधना चाहिए। देखिए दोनों में मैंने कलावा बांध लूँगी और इसमें 13 रोली से 13 टीका लगाऊंगी। इसी तरह मैंने 13 टीका लगा रही हूँ। देखिए अब 13 टीका लग गया। इसमें भी दूसरा कलावा में भी इसी तरह मैं 13 टीका लगा लिया। करवा स्थापित करूँगी, उसमें थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा फूल रख के मैं रखूँगी क्योंकि खाली करवा रखा नहीं जाता है। उसमें उसके ऊपर मैंने दोनों करवा रख दिया। अब इसमें मैं जल भरूँगी। इसमें दोनों में मैंने जल डाल दिया। अब थोड़ा थोड़ा मैंने गंगा जल भी डाल दूंगी इसमें। अब दोनों में एक एक सिक्का डालूंगी। दोनों सिक्का डाल दिया और थोड़ा थोड़ा इसमें चावल डाल दूंगी। इसमें ढकने इसकी मैंने आटा रखती हूँ तो इसमें आटा भर लूंगी। इसी तरह आटा भर के करवा को मैं ढक दूंगी। देखिए इसी तरह ढक दिया दोनों करवा को। इसी तरह मैंने आटा भर के ढक दिया। अब इसके ऊपर मैं दिया रखूंगी, घी के दिया रखूंगी। दोनों में घी के दिया रख दिया।
इसमें गणेश जी की तस्वीर बना हुआ है, इसलिए पहले मैंने गणेश जी की पूजा कर लूँगी। मैंने चंदन अरोली का टीका लगाया, मैं चावल चढ़ाया। आप गणेश जी को मैं प्रार्थना करके उनको लाल फूल और दूर्वा से मैंने उनको चढ़ाया, क्योंकि गणेश जी की पूजा बिना दूर्वा के अधूरा होता है। तो उनको पूजा करने के बाद मैं करवा माता को टीका कर रही हूँ और उनको टीका किया और चावल चढ़ाया। सारे भगवान जी जितना बना हुआ है, चंद्रदेव सूर्यदेव और शिव जी, सारे को मैंने सबको एक एक करके टीका करूँगी। सात भाई, सात बहू, साहूकार, करवा बेचने वाला जितना सब है, सबको मैं उन सबको टीका कर दूंगी। सबको टीका किया और मैंने चावल भी चढ़ाए सबको। सबको टीका कर लिया मैंने। अब मैं कथा की किताब में भी टीका करूंगी, क्योंकि उसमें तस्वीर बना हुआ है। इस बार अमृत काल शाम को 4:08 से लेकर शाम को 5:50 तक रहेगा, और जो लोग सुबह पूजा करते हैं उनके लिए सुबह 11:44 से लेकर दोपहर के 12:30 तक रहेगा। इस बार चंद्रोदय के समय रात को 8:09 को रहेगा। आप देखिए, इसी तरह सबको मैंने पूजा कर लिया। आप माता को मैंने श्रृंगार का सामान चढ़ाऊंगी, चूड़ी बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, लिपस्टिक, जितना भी है श्रृंगार के सामान मैंने भगवान माता को चढ़ाऊंगी। माता को मैंने सारा सामान सिंगर के सामान मैंने चढ़ा दिया। अब मैं फल चढ़ाऊंगी। फल में मैंने सेब, केला और सिंघाड़ा लिया मैंने, और मैंने मिठाई में पेड़ा चढ़ाया। ग्लास में मैंने जल भी रख दिया। मैं सास के लिए बायना निकाल देती हूँ, मैं सास मेरी दूर रहती है, इस वजह से मैं पैसा निकाल देती हूँ। भोग लगाने के बाद इसमें मैंने पान, सुपारी, लौंग, इसमें इलायची रख दिया। अब गणेश जी को मैंने एक कपड़े के उसमें थोड़ा सा मौली रख दिया, उनको चढ़ाया। अब मैं फूल हाथ में फूल लेकर सारे भगवान जी को दहन करके उनको चढ़ा दूंगी। देखिए, भगवान जी को मैंने फूल चढ़ा दिया। अब हाथ में फूल लेके मैंने दोनों करवा की भी पूजा कर लूंगी। दोनों करवा में मैंने पूजा कर लिया। अब मैंने भोग में थोड़ा थोड़ा फूल डाल दूंगी, जल में भी थोड़ा सा फूल डाल दिया। अब मैं दीपक की भी पूजा कर लूंगी। दोनों दिया का पूजा कर लिया। मैं दिया जलाऊंगी। दिया जला के मैं कपूर और पति धूप की आरती करूंगी। दूसरे करवा के ऊपर जो दिया है, वो दिया जब मैं चंद्रमा के अर्घ देती हूँ उसी टाइम वो दिया जलाती हूँ, और उसी दिया से मैं चंद्रमा की आरती करती हूँ।
से कर लीजिए। देखिए आरती दिखा दिया मैंने। आप मैं हाथ में 13 दुर्वा और 13 अक्षर लेके कथा पढ़ूंगी। कथा जो है अकेले ना सुने, किसी को साथ में बैठा ले, नहीं तो अगर आप पड़ोसी के किसी के साथ घर जाके कथा सुन रहे तो अच्छी बात है। ये अक्षर जो है साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं लेना है। टूटा हुआ चावल अशुभ माना जाता है। देखिए मैंने 13 चावल और दुर्वा ले लिया। अब मैं कथा पढ़ूंगी। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थ के एक शहर में वेद वर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद वर्मा का विवाह लीलावती के से हुआ था। उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वह केवल एक अकेली बहन थी। अब कथा मेरा हो गया। अब जो दुर्वा और अक्षत मैंने लिया था वो मेरे साड़ी में बांध के रख दूंगी और चंद्रमा के इसी दुर्वा और अक्षत से अर्घ दूंगी। देखिए मेरा पूजा हो गया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा करवा चौथ के वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।